वहीं हरियाणा असेंबली चुनाव के लिए नॉमिनेशन की अंतिम तारीख है। सभी दलों की तरफ से तमाम सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से 40 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। सिरसा के गोकुल सेतिया को टिकट दिया गया है। रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला को कैथल असेंबली हल्के से टिकट मिला है। कांग्रेस पार्टी ने पहली लिस्ट में 41 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। अब तक पार्टी की तरफ से 81 नामों का ऐलान किया जा चुका है। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच की अटकलें ये लगाई जा रही थी। हालांकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने अब तक 70 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वहीं कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से आपके साथ गठबंधन की उम्मीद को बाजाब्ता रूप से खारिज नहीं किया गया है। कांग्रेस ने पंचकुला से चंद्रमोहन, हिसार से रामनिवास रारा, भवानीखेड़ा से प्रदीप नरवाल, अंबाला शहर से निर्मल सिंह, एलनाबाद से भरत सिंह बेनीवाल और आदमपुर से चंद्रप्रकाश को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 32 और दूसरी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इस तरह अब तक वह 90 में से 81 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। रियासत में 5 अक्टूबर को एक चरण में मतदान होना है। नॉमिनेशन का 12 सितंबर को आखिरी दिन है, यानी कि आज आखिरी दिन है नॉमिनेशन का। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। तो हरियाणा में कांग्रेस ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है और जो तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, वो अब तक खारिज होती भी दिखाई दे रही थी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इस मामले में कोई भी आखिरी फैसला भी नहीं लिया गया है, ऐसा माना जा रहा है। तो हो सकता है कि इसको लेकर कोई बड़ी खबर भी सामने आ जाए। और अब तक 90 में से 81 उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है। और आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी भी पुरजोर तरीके से चुनावी मैदान में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रही है और वो भी अपने दम पर चुनावी मैदान में उतर कर बेहतरीन परफॉर्मेंस की उम्मीद रखे हुए है। लेकिन अब देखना होगा यहाँ के लोगों का कैसा रिस्पॉन्स इन दोनों ही पार्टियों को यहाँ पर मिलता है। अब तक 90 में से 81 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कांग्रेस की तरफ से हो चुका है। तो 40 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई, जो तीसरी लिस्ट जारी हुई है उसमें 40 उम्मीदवारों का नाम सामने आया है। कई ऐसे नाम सामने आए हैं जिनकी उम्मीद नहीं थी मगर उन्हें टिकट दिया गया, और तो कुछ के टिकट काटे भी गए हैं। जिनके टिकट कटे हैं जाहिर तौर पर नाराजगी उनमें देखने को मिल रही होगी। और ऐसी भी खबरें सामने आ रही थी बीच में कि अब आम आदमी पार्टी अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरती है, तो जो नाराज लोग हैं जिनके टिकट कटे हैं, जो बीजेपी और कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, वो आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं और पार्टी उन्हें टिकट दे सकती है। लेकिन अब वक्त के साथ ये तमाम चीज़ें साफ हो पाएंगी। आपको बता दें कि 5 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग होनी है, 8 अक्टूबर को गिनती होगी और 8 अक्टूबर को जब काउंटिंग होगी उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि यहां की आवाम ने आखिर किसे चुना है। तो कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 32 और दूसरी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी और इस तरह अब तक 90 में से 81 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कांग्रेस कर चुकी है और तीसरी लिस्ट में 40 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। तो कुल मिलाकर 81 उम्मीदवारों के नाम अब तक सामने आ चुके हैं। 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे हरियाणा में और नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है आज, यानी 12 सितंबर। वोटों की गिनती होगी 8 अक्टूबर को। तो सभी सियासी दल उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करने में लगे हुए हैं, तमाम समीकरणों को साधते हुए। फिर वो बात चाहे जातीय समीकरण की हो या क्षेत्रीय समीकरण की हो या फिर किस उम्मीदवार की उसके एरिया में कैसी पैठ है, लोग उसे किस तरह से पसंद करते हैं, कितना ज़्यादा जनाधार है उस खास उम्मीदवार का, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें देखते हुए ही नामों को फाइनलाइज किया गया है और ये लिस्ट निकाली गई है। तो कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी कर दी गई है हरियाणा में और कुल 81 उम्मीदवारों के नाम अब तक कांग्रेस की तरफ से सामने आ चुके हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी, अब तक तो इस पर कोई मुहर नहीं लगी है। लेकिन मना भी नहीं किया गया है कांग्रेस की तरफ से। अब देखना होगा क्या इसको लेकर कोई बदलाव आने वाले दिनों में देखने को मिलता है या फिर दोनों ही पार्टियां अपने दम पर अलग अलग चुनाव लड़ेंगी, अपने अपने उम्मीदवारों के इन तमाम सीटों पर उतारेंगी। लेकिन लोगों का कैसा रिस्पॉन्स मिलता है ये भी अहम होगा यहाँ पर देखना। तो तमाम अहम मुद्दे उठाए जा रहे हैं चुनावों के मद्देनजर।